साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मोहिनी के लौंग और सुपारी के शक्तिशाली वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लौंग सुपारी घर में इस जगह रख दे बांध कर तो तुरंत होगा वशीकरण। ये इतनी शक्तिशाली वशीकरण सम्मोहन विद्या है भक्तजनों, जो भी आपके दिल के प्रिय है अगर वह आपको छोड़कर चला गया है तो तुरंत आपके घर में उसकी वापसी होगी। जो भी इस विधि का भक्तजनों पर जो करेगा, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों में आपको इसका लुभा बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार आप ये सामग्री देंगे, ये भोग प्रसाद देंगे तो तुरंत ये जो वशीकरण विद्या है तो आपके कार्य में आपको सफलता दिलाएगी। तो माता रानी के भक्तजनों, माता मोहिनी की लौंग और सुपारी की ये जो शक्तिशाली विद्या है, जो इसकी सामग्री, जो इसका भोग प्रसाद लूफा है, वह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने एक तो लेना है लाल कपड़ा, एक साबुत सुपारी, दो लौंग, एक रुपये का सिक्का और एक आपने लेना है सिंदूर। और इस विधि का प्रयोग भक्तजनों आपने कैसे करना है, जिस व्यक्ति को आप सम्मोहन विद्या से बांधना चाहते हैं, जिसकी आप अपने घर में वापसी चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का आपने नाम लिखना है इस लाल कपड़े के ऊपर। ये जो सिंदूर है इसमें थोड़ा सा भक्तजनों आप पानी मिला लें और पानी मिलाने के बाद इस लाल कपड़े में भक्तजनों उस व्यक्ति का आपने नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद भक्तजनों इस लाल कपड़े के ऊपर, उसके बाद ये जो सावत सुपारी है, दो लौंग हैं और यह जो एक रुपये का सिक्का है, इस लाल कपड़े में आपने इनको बांध देना है। और बांध देने के बाद भक्तजनों इसको आप अपने घर में किसी ऊँची जगह के ऊपर आप रख सकते हो। और यह जो विधि है आपने भक्तजनों मंगलवार वाले दिन, मंगलवार कोई भी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो या अंधेर पक्ष का हो, इस विधि का प्रयोग भक्तजनों आपने मंगलवार वाले दिन करना है। इसको आप किसी ऊंची जगह के ऊपर रख दें अपने घर में, तो जिस व्यक्ति के लिए भक्तजनों आप इस सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर रहे हो तो पूर्ण रूप से उसके ऊपर वशीकरण होगा, अगर आप इसी विधि के अनुसार इस विद्या का भक्तजनों आप प्रयोग करेंगे तो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल साधना और समाधान को सब्सक्राइब करें और आप हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।